के चलते महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सरकार को धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर मंदिर नहीं खोलते तो लोग आंदोलन करें, वो आंदोलन में साथ देंगे। अन्ना हजारे का कहना है कि अगर राज्य में बार और शराब की दुकानें और राजनीतिक रैलियां हो सकती हैं तो मंदिर क्यों नहीं खोल सकते। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का कहना है कि राज्य में मंदिरों को खोला जाना चाहिए और लोग आंदोलन करें और इस आंदोलन का साथ अन्ना हजारे खुद देंगे। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन पर हैं, दूसरी तरफ जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी कहा जा रहा है कि वो भी उनके साथ में हैं। अन्ना हजारे की तरफ से भी कह दिया गया कि भाई आप विरोध कीजिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये विरोध कब तक जारी रहेगा? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाल फिलहाल में उम्मीद नहीं कि शायद अनुमति दी जाए। नहीं देखिए, हमने इससे पहले ये देखा था कि जब श्रावण की शुरुआत हुई तो जो श्रावण का पहला सोमवार था तब कई सारे बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग जगहों पर जो है प्रोटेस्ट किया था। आज उनका ये कहना है कि जन्माष्टमी के मौके पर अगर आज उन्हें पूजा करने के लिए मौका नहीं मिलता है, उन्हें ये अवसर नहीं दिया जाता है, तो ये आज उनका एक आखिरी अल्टीमेटम होगा। और जिस तरीके से हमने तुषार भोसले जो हैं बीजेपी हिंदू प्रकोष्ठ के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि ये शंखनाद जो है कि ये लास्ट अल्टीमेटम है, आज प्रोटेस्ट करेंगे, इसके बावजूद अगर ठाकरे सरकार जो है मंदिरों को खोलने को लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले वक्त में तांडव होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया। ये देखिए तस्वीर।